अब आप क्रिकेट को कितना पसंद करते हैं? वैसे तो मैं देखता नहीं हूँ, आजकल तो मेरे को टाइम ही नहीं होता देखने का। और जहाँ तक क्रिकेट पसंद की बात है, तो अभी जो लेटेस्ट जो मैच हुआ है उसमें इंडिया की जो स्थिति है उसको देखते हुए तो मन बिल्कुल नहीं करता कि देखा जाए। पहले की तरह पसंद करती हूँ पर इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं, विश्वास उठ गया उस पर। मैंने क्रिकेट को कभी पसंद ही नहीं किया, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। अब आप क्रिकेट को कितना पसंद करते हैं? अब बहुत कम हो गया, इसके अंदर दम नहीं रहा कुछ। क्यों क्यों क्यों? परफॉर्मेंस इनकी ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं तो मैडम क्रिकेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि ये लोग देश के लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। वहाँ मैच देखने से ऐसा लगा कि जैसे कि ये मैच भी बिल्कुल फिक्स किया गया। मैं पहले जितना पसंद करते थे अभी उतना नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पहले जो खिलाड़ी थे वो अपने दिल से खेलते थे, लेकिन बट अभी जो खिलाड़ी खेलते हैं वो अपने पैसों के लिए खेलते हैं। एक बहुत सचिन तेंदुलकर को क्या हो गया है? सचिन तेंदुलकर आजकल घर का खाना कम और बाहर का खाना ज्यादा खा रहा है। सारी टीम सचिन तेंदुलकर पर निर्भर है जी, और अकेला बंदा कब तक जान मार लेगा। गर्मी बहुत है, ढीला पड़ गया वो। सचिन तेंदुलकर को क्या हो गया है? अभी तो कुछ नहीं हुआ उसके लिए, वैसे ये मैच में तो बहुत गलत खेले। क्यों, क्या हो गया उसे? पता नहीं इनको क्या बीमारी हो गई है जो कि पता नहीं चल पा रहा। जो हुआ सो हुआ, आगे देखेंगे। सुस्त हो गया वो। ही इज नॉर्मल, ही इज बैटिंग नॉर्मल, बट बाई चांस शॉट गलत चला गया उसका, इसलिए उसका वो आउट हो गया, नहीं तो अदरवाइज ही इज डूइंग बैट। चलिए, आपका जवाब बहुत पॉजिटिव है। और किस फिल्म स्टार के भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने से टीम के प्रदर्शन में सुधार आ सकता है? मेरे ख्याल है अक्षय कुमार को शामिल करना चाहिए, क्योंकि वो फेंकता बहुत है अपनी हीरोइनों को और वो कैच अच्छा करती है। आमिर खान क्यों? वो काफी अच्छा क्रिकेट खेलता है। आपको कैसे पता? मैंने देखा खेलते उसे। सलमान खान कैसे? क्योंकि सलमान खान पिक्चर में भी अच्छा काम करता है और क्रिकेट में भी अच्छा है। उसने दिल्ली में जो पिछली बार मैच हुआ था उसमें भी उसने अच्छा खेला था। किस फिल्म स्टार के भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल हो जाने से टीम के प्रदर्शन में सुधार आ सकता है? संजय दत्त के। कैसे? क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी इतनी लुकिंग है, इतनी फाइन है कि अगर एक शॉट मारेंगे तो स्टेडियम के बाहर बॉल जाएगी। मैं समझता हूँ कि किसी भी फिल्म स्टार के आने से कोई सुधार नहीं आएगा, बिकॉज जो काम है वो अगर वही आदमी करे तो इट्स ऑलवेज बेटर। ऐश्वर्या राय। क्यों? क्योंकि वो होगी तो कोई बाहर नहीं देखेगा, सिर्फ अपने खेल पे ध्यान रहेगा, उनका फील्ड पे ध्यान रहेगा। ऋतु रोशन। क्यों? बल भागता है, कूदता है और कैच पकड़ता है। आपने भी कैच पकड़ा है, सिबा का टॉप जवाब है आपका। और अभी हमारी जो क्रिकेट टीम शारजा के फाइनल में हारी है, अगर आपका कोई रिश्तेदार उस टीम में शामिल होता तो क्या कहते आप उससे? सट्टे में कितने पैसे लिए? कहता कुछ नहीं, उसको झाड़ू से पीटता। मैं उनको ये बोलता कि क्रिकेट खेलना छोड़ के ना हाथ में गुल्ली डंडा ले लीजिए, उसके अंदर भी आप मैच हार के आएंगे। अभी हमारी जो क्रिकेट टीम शारजा के फाइनल मैच में हारी है, अगर आपका कोई रिश्तेदार उस टीम में शामिल होता तो क्या कहते आप उससे? हम कहते कि क्रिकेट नहीं खेलना आता तो घर बैठिए। तू रिश्तेदार नहीं, कलंक है। बहुत दिल दुखाया आपने। 54 जूते मारता मैं उससे। क्यों? क्यों 54 पे टीम आउट हुई थी। मैं सिर्फ उन लोगों को इतना कहूंगा, जो अपने लिए खेले या ना खेले, देश की इज्जत के लिए थोड़ा बहुत जोर खेल लें। बहुत अच्छा जवाब और कुछ सीखने को मिला। 54 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कोच अगर आप होते तो आपका अगला कदम क्या होता? टीम में भारी फेरबदल। क्रिकेट खिलाड़ियों की मॉडलिंग पर रोक लगाता। जो जिन प्लेयरों का डबल फिगर से कम है उनको फायर करता। 54 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कोच अगर आप होते तो आपका पहला कदम क्या होता? अंडर 19 टीम खिलाड़ियों को शामिल करते हम इसमें। इंडियन कोच का रिकॉर्ड तोड़ता, 54 रन से कम 32 स्कोर का नया कीर्तिमान बनाता। लाल किला और दूसरे ग्राउंड्स में, छोटे छोटे ग्राउंड्स में जो यंग टैलेंटेड लड़के खेल रहे हैं उनको मैं ढूंढता और उनको देखता, उनमें क्या टैलेंट है, उनको आगे लेकर आता। मैं उनको बेस्ट कोचिंग देता और फिल्मी हीरोइन के विषय उनको कहता भागे नहीं। टीम को सांत्वना देते और दोबारा से अपने अंदर जोश पैदा करने के लिए कि ऐसा इन फ्यूचर ये रिपीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा नहीं कि हम उसके एकदम उस लगे टीम चेंज कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा जवाब। मिलाइए हाथ और सुनिए।